हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है योगी आदित्यनाथ वाला एटीट्यूड। अरे वाह, वही वाला वीडियो है क्या? उन्हीं का है, देखते हैं। हेमंत विश्वास शर्मा, अच्छा विश्वास है कि विश्वास है? लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल से विश्वास लिखा था, पता नहीं। शर्मा ठग लाइफ सैवेज हेमंता विश्वास शर्मा। अरे दोनों स्पेलिंग्स लिखे हुए, दो अलग अलग स्पेलिंग्स। नहीं, एग्जैक्टली पता नहीं, मगर एज का लिखा है हेमंता, एज का हेमंत। हाँ। विश्वा और का विश्वा, पता नहीं, हो सकता शर्मा, है शर्मा शर्मा और एज का शर्मा। तो जैसे तो, बोलने का स्टाइल होता होगा उस हिसाब से कि एक ये स्टाइल है बोलने का और दूसरा वो स्टाइल है बोलने का, वो होगा मेरे ख्याल से। पर वीडियो जो हमने कल किया था वो तो बड़ा ही मजेदार था। तो चलो, अभी ये वाला जो आपने सजेस्ट किया है इसको देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मदरसों से क्या दिक्कत है? ओए ओए, तो बंद करने का इरादा है। हैं बंद। अजीब सा बयान दिया उन्होंने, कहा कि जो काशी की बात है वो एक दिन दो दिन क्या महीने पर रखे, वैसे भी जो आदमी का आखिरी वक्त होता है काशी में होता है। प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह का बयान, जो बाबर का संतान है, जो बाबर का संतान है, जो बाबर का बच्चा है, उनको वो बाबर जैसा ही बात करेगा। तो उस बात का आप ध्यान मत दीजिए, कौन क्या बोला मेरा मालूम नहीं है, कैसे बोला मैं सुना भी नहीं हूँ, लेकिन जो बाबर का औलाद है उनका ही मन में अभी दुख होगा। गुड मूड दे फील हैप्पी फॉर इंडिया। तो ये तो देयर, जहां भी रहे इट इज देयर एक्सटेंडेड मदरलैंड। आज आप अमेरिका में जाइए, भारत पाकिस्तान का गेम होगा, तो भारत जीतने से पाकिस्तान का लोग, अमेरिका का हिंदू लोग भी लड्डू बांटते हैं। मतलब दिल में तो हमेशा इट इज देयर एक्सटेंडेड मदरलैंड है। और पाकिस्तान के जीतने पर यहाँ पर भी पटाखे कुछ लोग फोड़ते हैं, वो भी है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, सबको भारत में आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का प्रेम लेके नहीं आना चाहिए। पैकेज इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को लेकर यूपी में आरोप लगता है कि आप लोग, अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि काशी जा रही है, मथुरा की अगली बारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगली कार सेवा होगी तो फूलों की बारिश होगी। आप लोग कम्युनल बना देते, जिन्नावादी राजवादी। देखिए, काशी मथुरा, आपका मन में वो क्यों है? अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगर उसमें कोई मंदिर का बात बोलता है तो उसमें आपको कम्युनल क्यों लगता है? मेरा तो यही दिमाग में पढ़ के मैं पागल हो जाता हूँ कि भाई मंदिर का बात बोलने से आपको कम्युनियल लगता है, लेकिन अगर आप बोलेगा मैं इधर वो दूसरा एक रिलीजियन का कुछ बनाऊंगा, आपको सेकुलर सर्टिफिकेट हो जाता है। जो सेकुलर सर्टिफिकेट लेने का जो भोग है, वो भोग से हम लोग को बाहर निकालना चाहिए, तब भी भारत जाके सेकुलर कंट्री बने। अंदर बोलो तो भैया हो गया हिंदुत्व। मैं असल में जब तुलना कर रहा था, वहां पर भी अपराधी मारे जा रहे हैं, यहाँ पर भी एनकाउंटर, वहां पर गाड़ी पलटती है, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ बुलडोजर चलते हैं, यहाँ ड्रग माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं, वहाँ लव जिहाद, यहाँ लव जिहाद, वहाँ जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ जनसंख्या, कॉम्पिटिशन चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी शादी होता है, असम में भी शादी होता है, उत्तर प्रदेश में पूजा होता है, असम में भी पूजा होता है, तो आपने खाली एक विषय क्यों बोला, बाकी भी बोलिए ना। बांग्लादेश में जो बंगाली हिंदू हैं, दीदी उनको नहीं, वो तो भगा रही हैं, वो तो एनआरसी नहीं होने दे रही है, तो असम में वेलकम करेंगे आप? दीदी का नहीं है, भाई का है ना ये मन। आप अगर दीदी का बात सुनता है तो भाई का भी बात सुन लीजिए। तो दीदी की दादागिरी वहां चल रही है, वो आने नहीं दे रही। तो देखिए, घर में दीदी एट द एंड ऑफ द डे भाई का ही बात मानना पड़ता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भारत तो सबका है, कानून तो हिंदुओं का थोड़ी ना, भारत तो भारतीयों का है। मैंने मैं माना किया हूँ कि दूसरे लोगों को आने में,
अगर मुसल्मान, अगर नहीं कोई अगर मुसलमान भाई भी आना चाहते भारत में एप्लीकेशन डाले, भारत सरकार विचार विमर्श करेगा, आना है तो आएगा, वो अलग बात है, सीए रूट से नहीं। लेकिन हिंदू, इट इज अ नेचुरल राइट्स ऑफ हिंदूज टू कम बैक टू इंडिया। जैसे एक आज आप अगर हिंदू कहा जाएगा नहीं तो किसलिए, पूरा दुनिया में तो एक ही यही देश है। और ये जो सेकुलर वाला जो बात आया ये 1947 से आया, लेकिन इसका पहले हम लोग क्या था, ये तो एक पूरा 5,000-6,000 साल से ये हिंदू का देश रहा है और हिंदू का देश ये रहेगा। बट आपको कम्युनल कहते हैं, अच्छा है जिसको बोलना है, ये सारे फैसले कम्युनल है। लेफ्ट लॉबी बड़ी परेशान रहती है आपसे। मैं मेरा फैसला मैं लेता हूं, लेकिन अगर लेफ्ट को लेके मैं फैसला लू तो नेक्स्ट टाइम मुझको कौन वोट डालेगा? लेफ्ट लोग वोट डालेगा क्या मुझको? बिल्कुल नहीं डालेगा। वही तो सारी मतलब लेफ्ट लॉबी सबका ये कहना है कि सारे फैसले, सारे विवादित फैसलों का ठेका जो है ना हिमंत बिस्व शर्मा ने ले रखा है। कहते सारे कम्युनल फैसले लेते हैं, मेरा मन कथित कम्युनल, मेरा मन यही है। देखिए कौन कम्युनल है कौन कम्युनल नहीं है, उनको निर्णय का निर्णय लेने का ठेका हमने लेफ्ट को देके नहीं रखा हूं। तो इसलिए मेरा जो मेरा मैंडेट है, जो मुझको करना है, और ये भारतीय सिविलाइजेशन के लिए जो करना है, अच्छा, और दम से करूंगा और करने करने के लिए ही पावर में आया हूं और करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कल जो हमने वीडियो किया था उसमें कई ऐसी चीजें थी जो समझ नहीं आई थी कि ये क्यों बोला, आज वो एक्चुअली मैं वो क्वेश्चन का आंसर जब दिया तो समझ में आया, तो काफी अच्छा था। और वो जो बता रहे थे ना कि भैया या यूपी में बोला नहीं, यहाँ वहां कर रहे थे, तो वही है ना कि यूपी में जो गुंडागर्दी हो रही है और जिस तरह से हो रहा था वहां पे जो है इनकाउंटर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे गाड़ियां उलटी हैं तो यहाँ इनकाउंटर की जगह गाड़ियां उल्टा देते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं। तो वो बोल रहे थे कि भैया तुम यही एक बात क्यों कर रहे हो, बाकी चीजें भी तो इतनी सिमिलर है कि वहां शादियां होती हैं, नॉर्मल चीजें जो होती हैं तो वहां भी होती हैं, यहाँ भी होती हैं। तो काफी अच्छा रोस्ट किया था कि बड़े स्मार्ट बन रहे हो जी, हमको भी पता है कि तुम किस साइड लेके जाना चाहते हो। तो काफी मजेदार था। और जिस तरह से बोला, जो सोच है वो बहुत अच्छी है कि अगर मैं उन लोगों का जो लेफ्टिस्ट है उनका सोच के काम करूंगा, उनका करूंगा भी, तो भी वो ऐसे लोग हैं, उनकी सोच ऐसी है कि वो फिर भी आपको वोट नहीं देंगे, तो मैं वो क्यों ना करूं जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे लग रहा है कि मेरी कंट्री को आगे बढ़ाएगा, मैं तो वही करूंगा। तो वही वो कह रहे हैं, जिसको जो बोलना है बोल ले, काम वही होगा जो ठीक है, और वही वो कर रहे हैं। और बात बिल्कुल ठीक है कि भैया ये बेकार की बातों में करने की जगह जो ठीक है उसको करो, इमेटीरियल की तुम हिंदू मुस्लिम का कर करके जो वोटिंग करते हो उसको छोड़ो, जो तुमका माइंड सेट है, तुमको कंट्री को आगे बढ़ाना है, बच्चे जो है उनको करेक्ट एजुकेशन देनी है उनको जो है। और इसमें भी उन्होंने ये दिखाया था कि मदरसा जो है वो तो मैं बंद करूंगा ही, बच्चों को जाना चाहिए स्कूलों में और वहां पे स्कूल में प्रॉपर पढ़ाइयां करें ताकि वो बने डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो उनके सपने उनको पूरा करें। तो बोल मजा आता है इनको सुन के, वेरी नाइस। बहुत अच्छा उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अगर जहां लॉर्ड कृष्णा का बर्थ हुआ था वहां पे अगर आप मंदिर बनाते हैं तो उसमें कम्युनल क्या है, बिल्कुल क्या है, यही तो उन्होंने क्वेश्चन क्या है कम्युनलिस्ट में। जब भी ऐसी बात होती है तो भैया यही शुरू हो जाता, क्यों भाई। उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि आप वापस जाइए 1000 AD में जाइए जब गुप्ता एम्पायर थी, राइट, उसके बाद से जो है उससे पहले मतलब सारा 100% हिंदुइज्म था। और जब दिल्ली सल्तनत आई है आप कह सकते हैं 800-900 के समय दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद से 1200 लोग लिखते हैं 1200, उसके बाद से वो बोल रहे हैं तब आपको क्वेश्चन आ रहा है सेक्युलर का, उससे पहले 100% हिंदू थे। तो अभी जो है अगर आप अपने रिलीजन के लिए कहीं कुछ बनाते हैं जहां पे आपके भगवान का जन्म हुआ है तो आपको उसे कम्युनल नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया था कि अगर आप दूसरे रिलीजन का बनाते हैं तो आप ठीक रहते हैं, मगर अपने रिलीजन का बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, ऐसा क्यों है। तो ये क्लैरिफाई उन्होंने किया था, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे कि मेरे को ये करना है, मेरे को लोगों ने वोट दिया है और मेरे को जिताया है, मेरे को करना है। उन्होंने क्लियर किया होगा कि मेरे मैनिफेस्टो में ये चीजें थी कि मैं ये करना चाहता हूं, लोगों ने वो मैनिफेस्टो देखा, ओके दिया, मैं जीता,
मैं वही कार्य कर रहा हूं, किसी का मैं अन्याय नहीं करूंगा, यही क्लियर करते, किसी का मैं बुरा नहीं कर रहा, मगर जो सही चीज है वही हो रही है, किसी का बुरा नहीं होगा। आपका समझने का तरीका गलत है और लेफ्ट वाले इस तरह से सोचते हैं क्योंकि उनको अपने वोट्स चाहिए होते हैं। काफी अच्छा वीडियो, मजा आ गया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।